सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये रही अपनी पल्सर 220 और भाई जी की बुलेट, अनमोल भाई जी की बुलेट। और ये हमारे नरेश भाई जंगली वाले हरकत करते हुए, और हमारे सूरी भाई यहाँ पे आते हुए जैकेट जुकेट पहन के। तो देख रहे हो मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा कि नहाने नूने जाते, तो भाई लोगों को पता है एक सीक्रेट प्लेस, हिडन प्लेस, तो जाते उस हिडन प्लेस पे, देखते कैसा है वो। मतलब मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में देखा है, मतलब काफ़ी सही जगह है वो, तो जाते हैं आज और आपको भी दिखाते हैं वो जगह। और तो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। ये क्या है? ये देखो हरकतें, देखो लौंडों की हरकतें, ये भी सही है। सो अब हम एंटर हो चुके हैं घट्टे खोला, तो यहाँ से स्टार्ट होता है उस हिडन प्लेस का रास्ता। क्या ये सत्तू? सत्तू हाँ हाँ बहुत खाया, पकड़ता है। तो यहाँ पे हमने पिया अभी शरबत और सत्तू। मैं सत्तू खाया और जूस पिया, जो कि काफ़ी सही हो रहा था। मतलब उस पर शरबत पे था तरबूज डाले हुए थे, तरबूज की पीस काफ़ी सेक्सी लग रहे थे, मज़ा आ गया खा के। वो बोलते हैं ना खाने दाने दाने भी लिखे खाने वाले का नाम, तो आज ये बटना था और हमें आना था, समझ रहे हो? मतलब ये खाना लिखा ही था तभी हम इधर आए। तो आज मैं करने वाला हूँ फुल हाइपर राइडिंग, मतलब कोशिश करूँगा अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा पुश करना सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो इस रास्ते का सबसे खतरनाक मोड ये वाला लगता है मुझे, ये पूरा यू टर्न है पूरा। तो मैं आप लोगों को प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ, ये हूँ मैं, देख रहे हैं मेरी परछाई। तो मैं आप लोगों को एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करो आप, ये चेक करो गाइस, देख रहे हो व्यू सामने, इतना प्यारा व्यू भाई। तो अभी हम आए थे वहाँ से, उस रास्ते से, और यहाँ पे चल रही है थोड़ी फोटोग्राफी भाई की, नरेश भाई की, नरेश भाई फोटोग्राफर, वो तो अभी पता चलेगा कैणी कौन वो देगा यार। ये देखो पोज देखा भाई का, देख रहे हो भाई साहब, राम राम भाई, भाजे ने भी देखा पोज ऐसा वाला पोज है यार, मैं होगी तो हम भी खिंचाते थोड़ा फोटो। तो अभी भी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और वो है आगे, मतलब यहाँ पर पार्किंग है और आगे से रास्ता है नीचे जाने का, इन पहाड़ों के बीच में है वो, तो जाते हैं अभी आगे। दूर तो काफ़ी दूर है, मतलब जैसे कि आपको वो दिख रहा है ना झरना, तो उसी के पास है, तो वहाँ पर जाना है, और रास्ता आगे से रास्ता है उसका, तो देख सकते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी अपनी, ये मेरी पल्सर 220 और ये भाई की बुलेट। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रास्ते में, रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ से, और ये रहे हमारा ग्रुप। हेलो गाइस, राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अभी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे तुम्हें कि कितना अच्छा झरना है वहाँ पे, ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहे और चले हमारे साथ, चले चले श्री राम। वही घास घास से पत्थर वाले नीचे, हाँ जो भी होगा ना सर पे बजेगा उसके, पूरा वो जाना चाहिए ना, रास्ता निकलता था गणपत राय बोल।
गणपत राय। तो वो रहा हमारा लोकेशन, अभी जूम करके दिखाता हूँ, इतनी दूर जाना है भाई। ये देखो भाई साहब, मतलब जाने के लिए तो सही है, मैं सोच रहा आऊंगा कैसे, और आपको दिखाता हूँ रास्ता, देख रहे हो ऐसा खतरनाक रास्ता है भाई। भाई चले तो जाएंगे भाई, आएंगे कैसे यार, मैं तो देख के हालत खराब हो रही। आप आएंगे चले के जाएंगे, वो हाथ आराम जाएंगे। ओ भाई साहब, ओ फिसल रहा है यार, ओ फिसल रहा वही है भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है भाई यहाँ पे, देख रहे भाई साहब। ये तो ट्रैकिंग ही हो गई भाई एक तरीके से, खतरनाक। ये बस छोटे छोटे पत्थर है, क्या टांग ये व्यू देखो इस रास्ते का, देखो सामने देहरादून कितना प्यारा लग रहा है ये। ओहो बात तो है भाई, अनमोल के बात में दम तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके अपने लोकेशन पे, और काफ़ी ट्रैकिंग करने के बाद मतलब काफ़ी खतरनाक रास्ता था, आपको हाथ दिखाता हूँ, ये देखो बिच्छू घास की वजह से ना पूरा लग गया भयंकर हाथ में, बहुत खतरनाक। और जब बिच्छू घास लगता है ना, आप लोगों को पता ही होगा क्या खतरनाक दर्द होता है, वही दर्द सहन करते हुए इस रास्ते में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके आ गए हम। और ये लोकेशन चेक करा भाई, इस तरफा भाई बहुत ही प्यारा लोकेशन है भाई, जो ये वाटरफॉल बह रहा है ना भाई, काफ़ी सही लग रहा है। तो ये रहा केमाड़ी का हिडन प्लेस, जो कि काफ़ी सही है, और ये पानी देख सकते हो आप, यहाँ का बैंक काफ़ी गहरा ही है, मतलब कम से कम 10-11 फीट तो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और पानी देखो आप कितना क्लियर पानी, क्रिस्टल क्लियर भाई, नीचे का साफ दिख रहा है। देखो ये जो दिख रहा है ना, जैसे बीच में जितना पास दिख रहा है उतना पास है नहीं है, काफ़ी गहरा ही है। ओ भाई पहुँच चुके हैं अपने पार्किंग पे, और आप लोगों को एक अपडेट देना था कि जो ये लोकेशन है, ये जो ये हिडन प्लेस है, तो वहाँ पर मत जाना, मतलब गांव वालों ने मना कर दिया है एक तरीके से आने के लिए, और कल से नोटिस बोर्ड लग जाएगा संडे से कि यहाँ पर आना मना है, और क्योंकि जो वो पानी है नदी का, वो पीने के लिए यूज़ होता है, मतलब लोगों के घर में जाता है। हम लोग भी तो 15-20 को तो पकड़ा था, नाव मत यार हमारे गांव में आ जाता है। सही बात है भाई, अभी कहूँ आरो में आजकल पानी नमक नमक क्यों आ रहा है, ये बात भी है। तो एक तरीके से मतलब यहाँ पर आना मना ही हो चुका है, मतलब आप आइए इधर, और मतलब फोटो वगैरह क्लिक करिए, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन, काफ़ी प्यारी लोकेशन है, तो यहाँ पर भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। बस आप लोगों को अगर उधर जाना भी तो जाओ, बस नहाने मत जाना, मतलब नहाने पिकनिक वगैरह हो गया जैसे, तो बस और कुछ नहीं है, जाने को तो जा सकते हो फोटो क्लिक करने के लिए, फ़ोटो क्लिक करके आ जाओ आप बस। तो ये रही अपनी पल्सर 220 प्यारी सी, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है भाई। तो जाते हैं अब घर की ओर, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो निकलते हैं घर की ओर, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय, टेक केयर और राइड सेफ।